गुजरात के वडोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में एडमिशन का बवाल बढ़ता जा रहा है। कॉमर्स फैकल्टी में एडमिशन मामले लगातार छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। आज एजीएसयू ग्रुप द्वारा एक बड़ी सी लॉलीपॉप बनाकर एमएसयू मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव द्वारा 1400 सीट बढ़ाने का ऐलान किया गया है, जिसे छात्रों ने लॉलीपॉप करार देते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पिछले एक वीक से एक सप्ताह से ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन द्वारा एफआई बीकॉम के अंदर एडमिशन के लिए दौरान बारहवीं कक्षा में जितने भी स्टूडेंट पास हुए सबको एडमिशन मिले कॉमर्स फैकल्टी में, उसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। गत रोज उसके लिए ब्लैक बेबी हमने बनाया गया था। शाम को वीसी सर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वीसी सर ने एक लॉलीपॉप दिया गया है कि 1400 सीट बढ़ाई जाएगी, परंतु वीसी सर को हमारे पहले दिन से एक ही मांग है कि सभी के सभी विद्यार्थियों को उसमें एडमिशन मिलना चाहिए। तो ये 1400 सीट बढ़ाई है वो जिसका जो लॉलीपॉप है हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे। तो आज मैं ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन द्वारा जो गत रोज वीसी सर ने हमको जो गिफ्ट दी थी लॉलीपॉप की, तो हमने रिटर्न गिफ्ट में उनको बड़ी लॉलीपॉप आज ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन द्वारा उनको दी गई है। ये एक प्रथा बन चुकी है अभी एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर कि कोई भी विद्यार्थी नेता जब विद्यार्थियों को प्रश्न को लेके यहाँ पे जो हेड ऑफिस पे आए तब सबसे पहले पुलिस को आगाह कर दिया जाता है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो यहाँ जो विजिलेंस स्टाफ है, विजिलेंस की जो टीम है, इतनी बड़ी टीम है, इतना पगार उनको दिया जाता है स्टूडेंट के फीस के अंदर से, परंतु जो ये सक्षम ही नहीं है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे रुजुआत करने आते हैं तो हर बार पुलिस को आगे करते, तो ये सक्षम ही नहीं है। और पुलिस के द्वारा हमारे साथ जो बिहेव कर रहे हैं आज करने में आया है, जो एक आतंकवादी से कम नहीं है, जो हम ये चलाया नहीं जाएगा। जिस प्रकार ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एक तानाशाही का जो निर्णय सुना रहे हमारे विद्यार्थियों पर, हम आज यहाँ पर लॉलीपॉप देने आए थे इसलिए क्योंकि सिर्फ 1400 जितनी सीट है विद्यार्थियों के लिए बढ़ाई है, तो स्थानिक विद्यार्थी 1400 में कहाँ से इनका समावेश होगा। तो जिस प्रकार से ये लॉलीपॉप दे रहे वडोदरा के विद्यार्थियों को, हमारी मांग यही है कि सर सयाजी राव गायकवाड़ का जो विजन था वडोदरा के सभी लोकल स्टूडेंट्स यहाँ पर आके पढ़ सके, इसलिए यहाँ पर ये सब लोग आए। आप देखो मेरे पीछे ये लोग रोज रोज आते हैं, तो इनको जरा दया नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। हमारा गुनाह क्या है कि पुलिस हमको ऐसे अंदर डाल रही है। हमारी बात एक ही है, मांगने की है कि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी विद्यार्थी 12th बोर्ड एग्जाम के अंदर 50% लेके आए इस साल 2024 में, उन सभी को एडमिशन दिया जाए। जब तक हमारी मांग स्वीकार नहीं होगी तब तक हम ये आंदोलन करेंगे। एमएस यूनिवर्सिटी मुख्यालय के बाहर छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। एमएसयू के छात्रों ने कॉमर्स फैकल्टी में सभी स्थानीय छात्रों को एडमिशन देने की मांग की है। नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को यहां हिरासत में भी लिया गया, जिसके चलते मौके पर जमकर घर्षण हुआ। अशोक क्राइटेरिया मेरिट कट ऑफ डिक्लेर करवामां आव्यो नथी। ये वीसी नी लॉलीपॉप आपे छे ये बात नी सौथी मोटी साबिती छे। वडोदरा शहर मां एक टाइम एमएस यूनिवर्सिटी नी कॉमर्स फैकल्टी मां बार बार 15,000 विद्यार्थियों ने एडमिशन आपवामां आवता था, त्यारे आजे 7,200 नो आंकड़ो आपीने लॉलीपॉप आपवानी वात करे छे। वडोदराना विद्यार्थियों ने वालियों ने ઊંધા ચશ્મા પહેરાઈને ઉલ્લું બનાવવાનું કામ આ વાઇસ ચાન્સેલર વિજયકુમાર શ્રીવાસ્તવ કરી રહ્યા છે। અમારી માંગ એ છે કે વડોદરાના તમામ વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન મળે, ના કે ફક્ત 50%। વીસી સરે 1400 સીટોનો લોલીપોપ આપ્યો, તે તદ્દન ખોટું છે। વડોદરાના તમામ વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન, અમારી એ માંગ છે જ્યાં સુધી નહીં મળે ત્યાં સુધી અમારી લડત ચાલુ રહેશે।